हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्यूबुलर ट्रस। अब ये ट्यूबुलर ट्रस कहीं नहीं पढ़ने को आता है, लेकिन आप एक अनुभवी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस में जो जो है वो तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन ट्यूबुलर ट्रस भी आता है कभी कभी। मतलब कि 4 साल 5 साल गैप करके ट्यूबुलर ट्रस आता है, हमको पता है। अभी 2-3 साल पहले ही आया हुआ था, तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि या तो ट्रस देगा, देखिए ट्रस तो आएगा कन्फर्म है, या तो ट्रस देगा या फिर ट्रस के पार्ट देगा ज्वाइंट बनाना, या फिर देगा आपका ट्यूबुलर ट्रस, कन्फर्म है आता है। और ये वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। वो वीडियो मिलेगा, मतलब ये ट्यूबुलर ट्रस का वीडियो मिलेगा सिर्फ इंजीनियर्स पॉइंट पे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वाले टॉपिक को सबको भेज दीजिए, क्योंकि ट्यूबुलर ट्रस है कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि लोग नया नया पढ़ाना शुरू किए होंगे शायद, तभी नहीं पढ़ाते हैं लोग, ठीक है। तो ट्यूबुलर ट्रस पढ़ लीजिए, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, हम भी सस्ते में उसको निपटा देंगे, ठीक है। अब ट्यूबुलर ट्रस आपको लग रहा होगा ट्यूबुलर क्या है, देखिए जैसे आप पढ़े होंगे स्टील स्ट्रक्चर में, टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, फ्लैट, ट्यूब, पढ़े थे कि नहीं, नली, नलिकाकार, है ना। तो ट्यूबुलर मतलब क्या हो गया, नलिकाकार, यानी जो पाइप, एक क्या हो गया आपका पाइप, है ना। तो पाइप से जो ट्रस बनेगा उसे कहते हैं लोग ट्यूबुलर, ट्यूब, है ना। अरे समझ आता है, ट्यूब यानी पाइप, देखिए यानी पाइप को जोड़ जोड़ कर जो ट्रस बनेगा उसे कहते हैं हम लोग ट्यूबुलर ट्रस। अब देखिए जब फिंक ट्रस हो गया, जो चपटी पत्ती को, एंगल को, चैनल सेक्शन को, बहुत सारे मेंबर को जोड़ के बनाते हैं, वो तो बहुत लंबाई स्ट्रक्चर रहता है, है ना। और बहुत मतलब लंबाई उसकी स्पेन ज़्यादा रहती है, तब हम क्या बना देते हैं वो वाला ट्रस जो बहुत सारे मेंबर को जोड़ के बनाते हैं। लेकिन एक छोटा सा आपको ट्रस बनाना हो छोटी लंबाई का, तब हम बहुत सारा ताम झाम नहीं करने वाले कि रिवेट लगाएंगे, बोट लगाएंगे, नहीं, हम क्या करते हैं एक नली को यानी पाइप को जोड़ के एक ट्रस बना देते हैं। ऐसा ट्यूबुलर ट्रस हमको सबको देखने को कहाँ मिलेगा, जहाँ हाल्ट रेलवे स्टेशन होता है। हाल्ट रेलवे स्टेशन क्या होता है, देखिए जहाँ पे सिर्फ पैसेंजर गाड़ियाँ रुकती हैं, तो वहाँ देखिए और क्या क्या रहता है, ईंट का एक प्लेटफार्म बनाया जाता है, समझ रहे हैं, एक क्या बनाया जाता है आपका ईंट का प्लेटफार्म बनाया जाता है, जो जिस पे पैसेंजर मतलब इंतज़ार करने के लिए बैठा जाता है। अब इस पे क्या होता है, प्लास्टर होता है, और वो देखे होंगे, है ना, इसी पे क्या होता है ना, एक क्या हो गया आदमी, ये देखिए ये आदमी क्या हो गया, बैठ गया, है ना, इसका हाथ हो गया, पाँव हो गया, क्या हो गया आपका, बैठ गया। आप लोग बताइएगा ये कैसा बनाया ड्राइंग, ठीक है। और बेइज्जती नहीं करना है, अच्छा अच्छा कमेंट करना है, वाह सर कितना अच्छा ड्राइंग बनाया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, बैठ गया, ये ट्रेन का इंतज़ार करा। तो अब इसके ऊपर जो ट्रस बनेगा ना, इसके ऊपर आप लोग खुद देखे होंगे या फिर अब जाके देखिएगा, इसके ऊपर जो ट्रस बनाएंगे हम, वो बहुत सारे मेंबर को जोड़ के नहीं बनाएंगे, पाइप को लेके आएंगे और जोड़ जाड़ के इसमें क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूबुलर ट्रस। तो बहुत आसान है, आप देख लिए होंगे, तो किसको जोड़ जोड़ के बनाएंगे हम, ट्यूब को यानी पाइप को जोड़ के बनाएंगे, ठीक है। तो छोटे स्पान के लिए, है ना, देखिए छोटे स्पान के लिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, चलिए बनाते हैं इसको। तो स्पान, है ना, क्लियर स्पान, गिवन डाटा या जूम डाटा ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा आपका 1.2 मीटर, ठीक है। और टाई बीम कितने का हो जाएगा आपका, 60 mm डाया। मेरे भाई ट्यूब है यानी नली है, पाइप है, तो डाया इसका रहता है ना। अदर मेंबर कितने का हो जाएगा, है ना, 50 mm डाया का, कितने का हो जाएगा आपका, 50 mm डाया का, ठीक है ना। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं इसको, ठीक है ना, इसको मिटा दें, इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हाँ चलिए चलते हैं। अब देखिएगा अब क्या करना है आपको, अब देखिए एक ट्यूब जोड़ के बनाया जाता है ना ऊपर, लेकिन नीचे जो रहता है वो नीचे पाइप नहीं रहता है, नीचे क्या रहता है आपका, आई खंड रहता है। नीचे क्या मिलेगा आपको, आई खंड मिलेगा। अब आई खंड सबको आता है ना, आई खंड सबको आता है, जैसे देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, फ्लेंज हो जाएगा, आई खंड हम आपको समझा दे रहे हैं, एक क्या हो जाएगा, देखिए आई खंड, है ना, मेरा हाथ क्या हो गया, फ्लेंज, ये दोनों हाथ क्या हो गया, फ्लेंज, है ना। तो आई खंड को क्या करते हैं, ऐसा रखेंगे, ये दोनों कैसा रखें, ऐसा रखें आई खंड को, आई खंड, तो बताइए क्या दिखाई देगा, आई खंड की गहराई दिखाई देगी और उसकी मोटाई दिखाई देगा, आई खंड की गहराई और क्या दिखाई देगा, फ्लेंज की मोटाई उसी में दिखाई देगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं जो आई एस एल बी
200 का, ISLB 200 का यूज़ किए हैं, तो इसमें गहराई कितना हो जाएगा 200 mm, TF कितना हो जाएगा आपका 6.7 mm, TW कितना हो जाएगा आपका 8 mm, ऐसे रेंडमली डाटा ले लिए। स्केल कितना ले लेंगे इसका, हम स्केल ले लेंगे एक संबंध है 10 का या फिर एक संबंध है 5 का, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, किनारे पर हम आई खंड, एक क्या है आपका आई खंड, तो आई खंड की गहराई कितनी है 200, है ना। तो देखिए एक आई खंड बनाते हैं 200 का, यहाँ से कितना आ गए हम 200, है ना। इधर नीचे क्या कर देंगे, थोड़ा सा लंबा जाएंगे और नीचे क्या कर देंगे कंटिन्यूस, एक क्या दिया हुआ है क्लियर स्पान दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कितना और चले जाएंगे 1.2 मीटर, है ना, छोटा सा, आप 1.5 भी जा सकते हैं नहीं दिया रहेगा तो। और ट्यूबुलर ट्रस के बारे में जानते हैं, क्या कहेगा वो, कुछ नहीं कहेगा, वो डाटा ही नहीं देगा, वो कहेगा ट्यूबुलर ट्रस का फ्रंट व्यू बनाइए, बस यही कहेगा और कुछ नहीं कहता, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा सारा चीज़। तो क्या हो जाएगा, ये सेम हाइट पर होनी चाहिए, ठीक है ना, हाँ हो गया हाइट पर सेम, इसकी लंबाई जितना इधर आए हैं उतना इधर आना है, ठीक है, हाँ। अब समझिएगा, अब क्या समझना है आपको, इसी में इसकी फ्लेंज की मोटाई दिखाई दे देगी, है ना, इसी में इतना आप लोग, हमको पता है ब्रिलियंट हो गए हैं कि सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे आसानी से, एक क्या होगा आपका फ्लेंज की मोटाई दिखाई दे देगी। अब इसी पे क्या रखेंगे, समझिएगा बहुत अच्छे समझिएगा, ये हो गया आपका ट्यूबुलर ट्रस, मतलब ये हो गया ए आई खंड, है ना। अब इसी के पीछे क्या करेंगे हम, समझिए इसी के पीछे क्या करेंगे ना, हाँ देखिएगा देखिएगा, ये हो गया आपका ट्यूबुलर ट्रस, इसी के पीछे क्या करेंगे हम, चपटी पत्ती जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम, चपटी पत्ती जोड़ेंगे, देखिएगा चपटी पत्ती नहीं घसेट प्लेट, क्या करेंगे घसेट प्लेट, मेरा हाथ है फ्लेंज, हाथ है फ्लेंज, एक क्या है वेव, और इसी पर क्या करेंगे हम चपटी पत्ती जोड़ेंगे, ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। इसी पर क्या करेंगे हम, देखिएगा ए देखिएगा जोड़ दिए हम क्या, चपटी पत्ती बिना साइज का, अब जानते हैं घसेट प्लेट भी कह सकते हैं इसे, है ना, क्या किया घसेट प्लेट को जोड़ दिए इसी पर हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, जोड़ दीजिए, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, है ना, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और ऐसा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, हाँ ऐसा बनाएंगे, ठीक है, क्या किए हम उसी पर, क्या किए हम चपटी पत्ती, पता है ना चपटी पत्ती कैसा जुड़ा है, चपटी पक्षी कैसा जुड़ा है, देखिएगा ये हो गया आपका फ्लेंज, है ना, ये हो गया आपका फ्लेंज, और फ्लेंज के पीछे से लाए हैं चपटी पत्ती, वेल्डिंग करके सारा चीज़ इसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो बताइए चपटी पत्ती फ्लेंज से तो निकला है कि नहीं, इस साइड में देखिए, है ना, पीछे से जोड़े हैं, है ना, मेरा दोनों हाथ क्या हो गया, देखिएगा ये हाथ क्या हो गया, फ्लेंज हो गया, हाथ मेरा हो गया फ्लेंज, और सर्वेइंग क्या हो गया आपका, वेव हो गया, ठीक है। तो इसी के पीछे देखिए हाथ मेरा एक दिखा, इसी के पीछे क्या किए वेल्ड कर दिए, तो थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई देगा, है ना। अब इसी निकले हुए में क्या करेंगे, सारा चीज़ फिक्स करेंगे, अब अंदर से अंदर कितना है आपका 1.2 मीटर, अब समझिएगा यही सेंटर टू सेंटर दे दिया होता तो क्या सेंटर टू सेंटर 1.2 नहीं बता देते, यदि ये इफेक्टिव स्पान दे देता, तो यदि ये इफेक्टिव स्पान दे देता मेरे भाई, तो सेंटर टू सेंटर क्या हो जाता आपका, इफेक्टिव स्पान हो जाता, तो बताइए कोई दिक्कत होता क्या आपको, नहीं होता, है ना। अब इसी के बीच में देखिए हम क्या लगाएंगे, ट्यूबुलर को लगाएंगे, है ना, नाली यानी क्या लगाएंगे, पाइप को लगाएंगे, तो पाइप का डाया, ये पाइप ही है ना, ये पाइप कितना है आपका 60 mm डाया का, टाई बीम कितने का है 60 mm डाया का, लेकिन देखेंगे तो बस डाया ही तो ऐसा सिंपल दिखाई देगा, क्या डाया ही दिखाई देगा, तो डाया बना देते हैं इस पर, ठीक है, देखिए क्या बना देंगे आप, डाया बना दीजिए, है ना, बताइए अब क्या किए हैं, पीछे से जो हम गए थे चपटी पत्ती फ्लेंज था चपटी पत्ती, इसी में क्या किए देखिएगा, इसी में क्या किए ला करके ऐसा रख दिए हैं और क्या कर दिए हैं, वेल्डिंग कर दिए हैं, समझ रहे हैं ना, बस सिंपल सा लाख सटा दिए हैं और क्या कर दिए हैं, वेल्डिंग कर दिए हैं। अब यहीं से क्या करेंगे, यहीं से हम ऊपर बढ़ेंगे, है ना, यहीं से क्या करेंगे, अच्छे से बनाइएगा ये अच्छे से, अब क्या करेंगे यहीं से हम 30 अंश पर ऊपर जाएंगे, देखिए 30 अंश पे कहाँ जाएंगे आप, ऊपर जाइए, यही सब 30 अंश पे कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है ना, बीच में एक लाइन खींच देंगे 12 मीटर के बीच में, यही सब 30 अंश पे कहाँ जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे,
सारा चीज़ इसमें इसी में क्या करेंगे, ये तो 50 mm वाला है ना, ये क्या है आपका सारा मेंबर कितने का 50 का, यही बस क्या है 60 का है, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ सर जा रहे हैं, ठीक है जाइए भाई। ये सारा क्या कर रहे हैं हम ला करके वेल्ड कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कितना ही रहेगा, इस मेंबर को आप कितना भी उठा सकते हैं ऐसा, ठीक है। वो तो प्लेट है ना, आप समझ सकते हैं घसेट प्लेट का कोई साइज नहीं होता है, ठीक है हो गया है ना, नुकीला नहीं रहता, ऐसा कर सकते हैं कोई इशू नहीं, ये थोड़ा ऐसा बनाना है कि अच्छा लगे तो मत करिएगा, ठीक है हाँ हो जाएगा ना, तो मत करिएगा आप इसे मैनेज करिएगा, मेरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हो जाएगा। अब देखिए ऊपर कैसा जोड़ेंगे, अब देखिएगा ऊपर कैसा जोड़ेंगे, ए ऐसा जोड़ेंगे, मेरा एक मार्कर कहाँ गया भाई, ठीक है कैसा जोड़ेंगे देखिएगा, यहीं तो था, देखिए दोनों तरफ से ले के जा रहे हैं ना, देखिए दोनों तरफ से ले के जा रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे समझिए, उसके लिए क्या करते हैं बीच में हम एक चपटी पत्ती रखते हैं, समझिएगा बीच में क्या रखेंगे, एक चपटी पत्ती रखेंगे, चपटी पत्ती हम खोज रहे हैं, वेट कीजिए, क्या रखेंगे बीच में हम एक चपटी पत्ती रखेंगे है ना, जैसे समझिए ये हो गया आपका चपटी पत्ती, तो देखिए बीच में इसको फिट करेंगे, दोनों तरफ से नली को ले कर जाएंगे, इसमें इसको रोकेंगे, बीच में रहेगा और ऐसा देखिएगा, इस बीच में एक चपटी पत्ती करेंगे भी समझ आ जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे ऐसा जाएगा, यानी बीच में देखिए जो बीच है ना इसी में क्या करेंगे, इसी में क्या करते हैं चपटी पत्ती रख दीजिए, क्या कर दिए चपटी पत्ती, ठीक है यानी ए वाली चीज़ है, ए वाली चीज़ हो गई है ना, ए वाली चीज़ चपटी पत्ती, और दोनों तरफ से लेके जाएंगे, दोनों तरफ से लेके जाएंगे और क्या करेंगे इसी में हम वेल्ड कर देंगे, समझ आ रहा है, तो इसी को लेके जाएंगे और क्या करेंगे अब हम वेल्ड करेंगे, देखिएगा लेके जाइए इसी में और क्या कर दीजिए आप वेल्ड कर दीजिए, उसी में जा करके क्या हो गया है वेल्ड हो गया, समझ पा रहे होंगे ना, हाँ ठीक है। ऐसा ये कितने का है सारा चीज़ 50 mm का, इसका सेंटर लाइन बना देंगे तो थोड़ा सुंदर लगने लगेगा, और बीच में लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब सारी चीज़ फिर यहीं से आएंगे, कहाँ से यहीं से हम आएँगे, इसके पीछे हम वेल्डिंग करते हैं, देखिएगा फिर आते हैं यहीं से है ना, अब क्या करेंगे 1 मीटर दिया हुआ है या फिर कितना भी दे इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, कितने पार्ट में बांटेंगे हम इसे 3 पार्ट में बांटेंगे, बांटिए देखिएगा है ना, ये 12 है ना तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पे है ना, देखिए 40 पे टिक करिए, 40 देखिए 40, 80, 120 सेंटीमीटर, ठीक है 3 पार्ट में बांटिए और इसी पर क्या लगाइए एक टुकड़ा लगाइए, टुकड़ा मतलब क्या है समझ पा रहे हैं ऐसे रेंडमली, टुकड़ा मतलब क्या हुआ, ये जो क्या है वही है घसेट प्लेट, ये जो टी बीम गया है टी बीम के पीछे से क्या लगाए हैं घसेट प्लेट, घसेट प्लेट को हरा से दिखाएंगे, तो हो गया आपका टाई बीम, टी बीम नहीं टाई बीम हो गया, और टाई बीम के पीछे क्या लगा दिए हैं हरा वाला घसेट प्लेट, अब क्योंकि मेंबर ऊपर से लाकर हमको यहीं जोड़ना है, ठीक है देखिएगा मेंबर ऊपर से लाएंगे और इसी में क्या करेंगे हम फिक्स करेंगे, ऐसा पाइप है, अब बताइए इसकी डाया कितनी है, इसकी डाया कितनी है 50 mm, तो पीछे से मेंबर पीछे से और उसी में क्या ला करके वेल्ड कर देंगे है ना, घसेट प्लेट कई ज़्यादा लोग जानते हैं इसे आएंगे, अब बताइए एकदम फिंक ट्रस की तरह है कि नहीं, है कि नहीं, बस ये छोटा सा है ना तो इसलिए ये आ जाता है कभी कभी, आपका स्ट्रक्चर फिंक तरह ट्रस के ही तरह मिलेगा, आप उन्हें बुक में देखिएगा, उन्हें बुक में देखिएगा ये दिया है, ठीक है आपको मिलेगा आपके बुक में, ठीक है ना, ये हो गया चीज़। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसके पीछे लगाएंगे कहीं, इसके पीछे लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, यहाँ से लेके जाना है आपको, ठीक है यहाँ से लेके जाना है ना, तो जहाँ 90 डिग्री मिलेगा यहाँ ए वाला 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये ट्रस का काम करता है ना, तो हो जाएगा समझ रहे हैं ना, तो सारा क्या किए हैं वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और इसको भी क्या ले जाके, इसको ले जाके हम पीछे वेल्ड करते हैं, तो बस ले जा करके ये पीछे क्या करना है इसका सटा देना है, या फिर लगा दीजिए इसके लिए भी अलग प्लेट, कोई वो इशू नहीं है लगा सकते हैं, देखिए इसके लिए सटाइए इसमें और इसके लिए भी क्या करिए एक प्लेट लगा दीजिए, ठीक है इसके लिए भी क्या करिए एक हम प्लेट लगा दे रहे हैं,
ठीक है। इसके लिए इस इन सब को जोड़ने के लिए क्या लगा दिया, हम प्लेट लगा, थोड़ा थोड़ा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ठीक है। तो आपका रेडी हो गया क्या रेडी हो गया आपका, क्या रेडी हुआ आपका, ट्यूबुलर ट्रस। है ना, तो इसको बना लीजिएगा एक बार, तो इसके आने के चांस कम रहते हैं, तो क्योंकि एकदम ईजी है ना, और कहीं रिवेटिंग नहीं करना है, ये सेंटर लाइन दिखा रहे हैं अच्छा लगने के लिए, ठीक है, कहीं रिवेटिंग नहीं करना है। अब देखिए, मन करेगा तो आई खंड को ऐसे रहने दीजिएगा, नहीं मन करेगा तो ऐसा कर दीजिएगा, लेकिन देखिए ऐसा करने पर अच्छा नहीं लगता है ना, लगता है कि ये अनाथ है, तो इसीलिए ऐसा कर दिया जाता है, जितना मन करे उतना लेके चला जाता है। तो ठीक है, तेही साहब का सिंपल सा क्या और कुछ छूट नहीं रहा है ना, आपका था ट्यूबुलर ट्रस, सारी चीज़ें को लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, लिखेंगे ट्यूब 60 mm डाया का, है ना, इसको लेके जाइए, फिर इसको भी लेके जाइए, फिर इसको भी लेके जाइए, सबको लेके जाइए, क्या लिखेंगे, ट्यूब 50 mm डाया का, 50 mm डाया का, इसको इसको क्या लिखेंगे, ISLB शायद ही लिखे थे, जो लिखे थे 200, है ना, जितना भी रहेगा, तो ये दिखा देना है बाहर से, बाहर कितना दिखा देना है आपको, 200 mm, ठीक है। और कुछ छूट रहा है ना, इसे इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं जो घसेट कह रहे थे, तो घसेट तो रिवेट में यूज होता है ना, इसे कहते हैं क्लीट, है ना, जो सहारा देता है, थिकनेस लिख भी सकते हैं और कोई मतलब भी नहीं, दिखेगा ही नहीं थिकनेस, तो ये हो जाएगा आपका क्लीट हो जाएगा, है ना। तो और कुछ है नहीं इसमें, तो ये आपका क्या कंप्लीट हुआ आपका ट्यूबुलर ट्रस, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आपके बुक में दिया है, ठीक है, कैसे लगना है सारी चीज़ें, तो कोई वही सुनाई है, ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा है, 200 है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटे छोटे लेक्चर आ रहे हैं, अगला लेक्चर आएगा आपका बीम टू बीम कनेक्शन। अब बीम टू बीम कनेक्शन में लोग दो ही टाइप का कनेक्शन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सीटेड और फ्रेम्ड, या फिर सीटेड फ्रेम्ड दोनों लगाओ, है ना, तीन तरह का पढ़ा सकता है कोई, एक सीटेड कह देगा सीटेड बनाने ला, एक फ्रेम्ड कह देगा कोई और कहेगा एक सीटेड एंड फ्रेम्ड, लेकिन हम आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बताएंगे जो कभी कभी आता है। तो आपका ये जो ट्यूबुलर ट्रस है ये हमेशा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी तो आता है, तो भाई कभी कभी आता है तो क्यों हम इसको छोड़ने जाएँ, हो सकता है इस बार आपका किस्मत अच्छा हो आ जाए, है ना। तो ये होते कोई इसमें दम है, कोई दम नहीं, ट्यूब है लगा दिए, क्या है घसेट प्लेट यानी क्लीट के पीछे पीछे इसको क्या कर देना है आपको, जोड़ देना है, ठीक है ना। तो बस हो गया, और कुछ इसमें नहीं है। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, एक चीज़ आप इसमें और कर सकते हैं, या फिर 1.2 मीटर कोई खास बड़ा नहीं हो रहा है, रहने देते हैं, ठीक है। हमें कहना चाहते थे कि ऐसा ये जो आप जानते हैं कोई भी मेंबर जैसे कि ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करते हैं, तो जो टाई बीम है ना, टाई बीम नीचे वाला, इसको क्या करते हैं हम जोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए एक प्लेट लगाते हैं, एक प्लेट, और प्लेट के दोनों तरफ क्या करते हैं ला करके हम वेल्डिंग करते हैं, टाई बीम के प्लेट के दोनों तरफ ला करके वेल्डिंग करते हैं, जहाँ टाई बीम है जहाँ जहाँ ज्वाइंट है। देखिए ऐसा ही बनाना है, हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, यदि आपको बुक में दिया हुआ घबराना नहीं है। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका टाई, है ना, क्या हो जाएगा आपका टाई बीम को जो बांधे हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे ऊपर बनाया है दोनों को मीटिंग पॉइंट पे, है ना। यदि मेंबर बड़ा हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, यदि बुक में दिया होगा तो कन्फ्यूज नहीं होना ये चीज़ क्या है, है ना। तो आप जानते हैं ना, जब हम फिंक ट्रस पर रहे थे तो बहुत लंबा हो रहा था, उसको काट काट के बनाए थे, तो वही क्या किया, मेंबर को हम काट काट के यहाँ जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग ड्राइंग होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि ड्राइंग एक ही तरह बनता है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले लेक्चर में बीम टू बीम कनेक्शन में, गुड लक।